आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। एमपी के बैतूल में पुलिस प्रताड़ना के चलते एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस थाने के गेट पर लाश रखकर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने जांच का आश्वासन देते हुए थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है। प्रशासन ने 10,000 रुपए की सहायता देकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया, तब ग्रामीण लाश उठाकर गांव वापस ले गए। दरअसल बैतूल के चिचोली थाना क्षेत्र के गांव सेहरा निवासी सियाराम धुर्वे ने 24 जनवरी को जहर खा लिया था। इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया, जहां उसकी बीते दिन मौत हो गई, जिसके बाद उसका शव गांव लेकर आए। सियाराम की मौत से नाराज ग्रामीणों ने लाश चिचोली थाने लेकर आए और गेट पर रखकर थाने का घेराव करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक 11 फरवरी 2019 को मुकेश नाम के एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 14 जनवरी को सियाराम सहित 10 लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाई थी, जिसके बाद इन सभी को छोड़ दिया गया। सियाराम ने घर जाकर अपनी पत्नी संगीता को बताया कि पुलिस ने उसके साथ पिटाई की है और उससे 20,000 रुपए की मांग भी की है। ऐसा आरोप है कि उसने इससे परेशान होकर जहर खा लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। ये पुलिस वाले मेरे घर पे गए 10 बजे रात को, मेरे पति को उठा के लेके आया जबरदस्ती। उसको बोला कि, हमने बोला क्यों ले जा रहे, तुमने बोला लड़के केस में ला जा रहे, बोले इनको एक बयान लेना है, बोले तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ, सुबह पहुंचा देंगे, बोले इनने पहुंचाया नहीं। हमने बात किए, हमने फ़ोन लगाया इनके पास, तो इनने बात की, बात करवाए। हमारे पति ने बोले कि हमें एक थाने में रखा है और मारा है करके, इसलिए हम घबरा के आ गए। अगर तो इनने मेरे सामने बहुत धमकी दी मेरे पति को, तो बोले बताना पड़ेगा, नहीं अंदर करूँगा, नहीं तो मारूँगा, ऐसा वैसा पैसे में से ऐसे कुछ बोले, इसलिए वो टेंशन में दबाई। पुलिस वालों ने मारा? हाँ मारा था उसको। मौत कैसे हुई? इतने पैसे की धमकी दिए है उसको। तो ऐसा क्यों, पुलिस वाले क्यों लेके गए थे? किसी का मर्डर हुआ था, किसी ने बताया कि वो जानता है, लेकिन वो कुछ नहीं जानता था, बच्चे की कसम भी खाया था सबका, मगर ये माने नहीं, विश्वास नहीं किया, कहीं जाना मत बोले, नहीं तो तुमको उल्टा लटका देंगे, ऐसा बोलने लग गए। वो धाक में कहीं नहीं गया, नहीं जाता था तो हम क्या खाते, कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी काम मजदूरी करते हैं, जाना पड़ता है बाहर काम करने के लिए। इन्होंने मना कर दिया, गया नहीं काम पे, मैं क्या करूँगा, पैसे नहीं है करके टेंशन, ये अगल पैसे बोल रहे थे, टेंशन में उसने जहर पी लिया इनके वजह से। हाँ आज कब पिया? इतवार के दिन। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की देखभाल होए, हमारी होए, ये चाहते हैं हम। सहायता चाहिए सरकार से? हाँ सरकार से चाहिए सहायता। आज एक बहुत बड़ी घटना हुई आदिवासी समाज के नवयुवक के साथ में। वो घटना ये है कि पुलिस प्रशासन जो चिचोली का है, उसके माध्यम से उसे प्रताड़ित किया गया, पैसे मांगे गए, और उस पैसे की व्यवस्था करने के लिए वो बेचारा परेशान हुआ, और आखिरी में व्यवस्था नहीं बनी तो उसने सुसाइड करने का प्रयास किया, और आज उसकी मृत्यु हो गई है। क्यों 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 पैसा मांग रहे थे, क्या बात क्या? अब वो 2019 की कोई घटना है, जिसमें किसी एक व्यक्ति को जला दिया गया था यहाँ माचना के किनारे। उस घटना के सिलसिले में इसको बेवजह यहाँ पर पकड़ कर लाया गया, मारा गया, और उससे बोला गया कि मुझे 20,000 रुपये आप यहाँ पर जमा करें। अब उसकी व्यवस्था करने के लिए जब वापस गया व्यक्ति, कहीं से व्यवस्था नहीं है, तो हताश होकर के और अपने आप को सुसाइड कर लिया। पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया कि बच्चों की पढ़ाई के साथ ही सरकारी आवास और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मामले में चिचोली थाना प्रभारी दीपक पाराशर को लाइन अटैच कर दिया है। थाने में आज एक सेहरा थाना चिचोली क्षेत्र के सेहरा ग्राम के लोग हैं, जो विगत 2 दिन पहले एक सेहरा ग्राम के व्यक्ति का किसी कारणवश उनकी डेथ हुई थी, उसकी बॉडी को लेके आए थे। उनका ग्रामीण वासियों का ये आरोप है कि कुछ जांच के लिए उस व्यक्ति को थाने बुलाया गया था,
तो उनके साथ ज़्यादती की गई है। तो इसकी जांच करने की मांग को लेकर वो थाने पर आए हुए थे। तो उनकी मांग थी कि यहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनको हटाने की, तो ज़िले के एसपी महोदया ने उनको टीआई साहब को यहाँ थाने से हटाकर उनकी जांच किया जाएगा। ये थाना चिचोली अंतर्गत ग्राम सेहरा है, वहाँ का एक आदिवासी लड़का सिया राम नाम का लड़का, जिसने 24 तारीख को पाइजन खाने से इसको रेफर होने के बाद हमीदी अस्पताल भर्ती हुआ था, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई। ग्रामीण जनों का ये आरोप है कि पुलिस चिचोली के द्वारा किसी प्रकरण में पूछताछ में इसके साथ ज्यादती की गई थी, इसलिए इसने जहर खाया है। तो इस तरह का सियाराम को पुलिस के द्वारा विगत इसी माह 14 तारीख को 302 आईपीसी में पूछताछ हेतु थाने पर लाए थे। पूछताछ करके उनके श्रीमती और उनकी भाभी के सुपुर्द उनको 15 तारीख को रवाना कर दिया था। करीब 10 रोज बाद इसके द्वारा किन्हीं कारणों से जहर खाया है, इसकी जांच की जाएगी। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि पैसे के लिए पुलिस प्रताड़ित कर रही थी, इसलिए नहीं, ये आरोप गलत है। पुलिस पैसों के लिए प्रताड़ित नहीं कर रही। पुलिस ने पूछताछ जरूर की है, क्योंकि इसके विषय में ये आया था कि मृतक का दोस्त था और ये इसको घटना की जानकारी है, इस विषय में इसको पूछताछ हेतु तलब किया था। कुछ कारण सामने आए हैं काय का? कुछ कारण आप लोग पुलिस को निकल के सामने आ रहे हैं कुछ इसके इसकी मौत के कारण? अब इसकी मौत के अभी हमने जांच नहीं की है, डायरी आ जाएगी, इसके बाद में इसकी मृत्यु का कारण भी ज्ञात करने का प्रयास किया जाएगा और निकाल के लाएंगे क्यों इसने ऐसा किया। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। आपके सपने अब होंगे पूरे। 40 हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश, 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट 40 हिलव्यू। सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध है। पूर्णता वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूफ पार्क, 24 घंटे सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी सीसी रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा, सिवर लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर।